क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड डेरेवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी इसके टोटल चार पार्ट्स हैं पार्ट ए एक्स इक्वल टू वन प्लस टी स्क्र इक्वल टू टी क्यू प्लस टू टी स्क् प्लस वन इसको हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा डी वाई बाई डी टी जबकि इससे हमें मिलेगा डी एक्स बाई डी टी लेकिन हमें क्या चाहिए होगा डी टी बाई डी एक्स तो पहले हम लोग करेंगे डी एक्स बाई डी टी फिर उसका इनवर्स ले लेंगे यानी वन डिवाइड बाई डी टी बाई डी एक्स इससे हमें मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी नहीं समझ आया अभी समझ आ जाता है देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यानी एक्स का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये तो कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव होगा जीरो टी स्क्र का डेरिवेटिव हो जाता है टू टी रेस्ट बार टू माइनस वन तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी आ जाता है टू इन टी हमें क्या चाहिए डी टी बाई डी एक्स तो इसको हम लोग इन्वर्स कर लेते हैं जिसका मतलब है ये भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा ऊपर की चीज़ नीचे नीचे की चीज़ ऊपर वन डिवाइड बाई टू टी तो ये तो हो गया एक्स की इक्वेशन का अब आ जाते हैं डी वाई बाई डी टी के लिए तो उसके लिए भी राइट हैंड साइड को भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है थ्री इधर आ गया टी रेस्पर थ्री माइनस वन टू तो टी स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है टू इधर आ गया और टी रेस्पावर टू माइनस वन 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 का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो ये हो जाएगा थ्री टी स्क्र प्लस टी। अब हम लोग इधर वैल्यूज पुट करते हैं डी वाई बाई डी टी की जगह थ्री टी स्क्र प्लस फोर टी और डी टी बाई डी एक्स की जगह वन ओवर टू टी अब ये टू टी दोनों के नीचे आ रहे हैं तो ये हो जाएगा थ्री टी स्क्र ओवर टू टी प्लस ओवर टू टी यहाँ पर टू टू द फोर और क्या चीज़ कट रही है डी टी, टी से यहाँ पर भी कट रहा है और यहाँ पर टी ऊपर वाले के स्क्वेयर से कट रहा है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा थ्री बाई टू टी प्लस टू इसका ग्राफ भी समझ लें क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाना नहीं है मगर कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर इसमें वाई इंटरसेप्ट देखें टू है ये यानी कि ग्राफ आपका वाई एक्सिस को टू के ऊपर इंटरसेप्ट करेगा और ये लीनियर फंक्शन है क्योंकि टी की मैक्सिमम पावर क्या है वन थ्री बाई टू का मतलब है वन पॉइंट फाइव यानि अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर वन यूनिट ट्रेवल करे ग्राफ तो आपका वाई एक्सिस के ऊपर वन पॉइंट फाइव यूनिट्स ट्रैवल करेगा पार्ट बी x इज इक्वल टू थ्री ए टी प्लस टू वाई इज ईक्वल टू सिक्सटी फोर प्लस नाइन ये भी चेन रूल से सॉल्व करेंगे पहले टी एक्स बाई डी टी लेते हैं तो राइट हैंड तो साइड का भी डेरिवेटिव ले लेंगे ले 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 विद रिस्पेक्ट टू तो टी इसमें देखें ये थ्री ए ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं टी वेरिएबल है क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू तो टी तो ये तो कॉन्स्टेंट चीज़ तो एज इज रहेगी ये टी स्क्र के अंदर टू नीचे आ जाएगा और टी रेस पर टू माइनस वन हो जाएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी आया सिक्स ए टी देखिए टू थ्री द सिक्स ए और टी की पावर वन होगी हमें क्या चाहिए डी टी बाई डी एक्स तो इसको हम लोग इन्वर्स कर लेंगे और इस साइड को भी इन्वर्स कर लेंगे वन ओवर सिक्स ए टी अब हम लोगों ने इस साइड को डेरिवेटिव कर दें डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बहुत सिंपल है फोर इधर आ जाएगा फोर सिक्स ज़ैट ट्वेंटी फोर हो जाएगा जबकि टी की पावर फोर माइनस वन हो जाएगी नाइन कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा सिक्स फोर ज़ाट ट्वेंटी फोर टी की पावर थ्री इधर हम लोग वैल्यूज पुट इन करते हैं डी वाई बाई डी टी की जगह ट्वेंटी फोर टी क्यूब और डी टी बाई डी एक्स की जगह वन बाई सिक्स अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है सिक्स वन दा सिक्स सिक्स फोर ट्वेंटी फोर ये टी वन द टी और ये इससे कट रहा है क्यूब को कट करके टू रह देगा तो ये अभी हमारी वैल्यू आ जाती है फोर टी स्क्र ओवर ए देखें ए कॉन्स्टेंट है मैं वन एज्यूम कर लेता हूँ ताकि ग्राफ इजिली ड्रॉ कर सकूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि मैक्सिमम पावर टी की टू है जिसका ग्राफ पैराबोलिक होता है पार्ट सी एक्स इक्वल टू एन टू वन माइनस टी स्क्र डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्र वाई इक्वल टू टू बी टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्र काफ़ी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब है लेंथी होगा लेकिन है आसान इसको भी चेन रूल से सॉल्व करेंगे सबसे पहले डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ़ आप इस पूरे को लिख लेंगे और इसमें गौर से देखेंगे कोई चीज़ कॉन्स्टेंट है ए इसमें कॉन्स्टेंट है अगर आप इसी तरह इसको यू ले लेंगे और इसको वी ले लेंगे तो आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है लिहाजा कॉन्स्टेंट को यहाँ से आप बाहर निकाल लें और बाकी मादा जो चीज़ है उसका डायरेवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी अब यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करना है क्वेश्चन रूल जिसकी जिंगल क्या थी लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वेयर द बॉटम एंड देर वी गो और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये थी यानी ऊपर वाले के हम लोगों ने यू कह देना होता है और नीचे वाले को वी कांस्टेंट ए तो एज इट इज आ जाएगा और बाकी मानदा में पहले नीचे वाले का स्क्वेयर नीचे लिख लेना है और नीचे वाले के ऊपर एक दफ़ा एज इट इज लिख लेना है अब फर्स्ट जो हिस्सा है उसमें नीचे वाला एज इट इज आया है तो ऊपर वाले का डरेवेटिव आएगा माइनस ऊपर वाला इट इज आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द नीचे वाला अब इसको सॉल्व करें इट इज नीचे वाली चीज़ भी इट इज वन प्लस टी स्क्वायर भी एजट इज जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वन तो कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस टू टी क्योंकि टू इधर आ गया टी की पावर एक कम होगी माइनस साइन लगाएंगे वन माइनस टी स्क्र इज रहा और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो टी स्क्र का डेरिवेटिव हो गया टू टी फर्जर इसको सॉल्व करें देखिए वन प्लस टी स्क्र जब मल्टीप्लाई होगा माइनस टू टी से माइनस टू टी एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस टू टी आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस टू टी क्यूब आ जाएगा ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और जब टू टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो वन टू टी मल्टीप्लाई बाई वन इज़ टू टी और इससे मल्टीप्लाई होकर टू टी मल्टीप्लाई माइनस टी स्क्र से माइनस टू टी क्यूब नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो अंदर वालों के साइंस चेंज हो जाएंगे ये देखिए माइनस टू टी और प्लस टू टी क्यूब यहाँ देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है टू टी क्यूब और माइनस टू टी क्यूब कैंसल आउट हो रहे हैं तो हमारे पास बच जाता है माइनस फोर ए टी कैसे माइनस टू टी और माइनस टू टी बन गया माइनस फोर टी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस फोर डिवाइड बाई वन प्लस टी होल स्क्र क्लटर बहुत जमा हो गया हम लोग इसको इधर ले आते हैं बाकी सारी चीज़ को मिटा लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया है डी एक्स और डी हमें क्या चाहिए डी टी बाय डी एक्स तो इसको इन्वर्स कर लेते हैं इन्वर्स करने में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि माइनस साइन हमेशा ऊपर ही रहता है क्योंकि नीचे भी रखें तो अल्टीमेट रिज़ल्ट में माइनस साइन एक साइड पर होता है तो इसको मैंने थोड़ा सा साइड पर करके लिख लिया बाकी नीचे वाले के ऊपर ऊपर वाले को नीचे कर लेते हैं अब करते हैं डरेवेटिव ऑफ़ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ इक्वल टू डेरेवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू टी इसमें देखें टू बी कॉन्स्टेंट है तो टू बी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसको यू और इसको वी कह देते हैं अब इसको भी हम लोग क्वेश्चन रूल से सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है कि नीचे लोअर वाले को स्क्वेयर कर लेते हैं फिर लोअर वाला ही एक दफ़ा पहले ऊपर लिखते हैं और अपर वाले का डायरेवेटिव ले लेते हैं माइनस अपर वाला एज इट इज़ लिखते हैं और लोअर वाले का डायरेवेटिव ले लेते हैं सॉल्व करें जी वन प्लस टी इट इज़ रहा डरेवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी वन माइनस टी इज़ डायरेवेटिव लेना है इसका वन कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का डायरेवेटिव जीरो होता है टी स्क्र का डायरेवेटिव टू टी होता है इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे वन मल्टीप्लाई बाईस तो ये बन जाएगा वन प्लस टी स्क्र माइनस टू टी स्क्र और माइनस टू टी स्क्र और प्लस टी स्क्र से बन जाएगा वन माइनस टी स्क्र अब यहाँ पे भी क्लटर काफ़ी जमा हो गया है इसको ऊपर ले जाते हैं हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स जिसके लिए हम लोग डी वाई बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे डी टी बाई डी एक्स से अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। वन प्लस टी स्क्र होल स्क्वेयर वन प्लस टी स्क्वायर होल कैंसिल आउट हो गया टू वन जी टू 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 जै फोर तो हमारा आंसर आ रहा है अभी यहाँ पर तलब बात है कि यहाँ पे माइनस था बार इसका मतलब ये माइनस वन बचा है तो माइनस वन जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा टी स्क्र माइनस वन इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो बी इंटू टी स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एटी ये हमारा आंसर है इसका ग्राफ नहीं बना रहा क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो दो कॉन्स्टेंट हैं ए और बी तो जब तक वैल्यू ना मालूम हो तुक्के नहीं लगाते वैसे भी ये कैलकुलेशन फ्यूचर में आने वाली कैलकुलस की तैयारी कराई जा रही है पार्ट डी एक्स इज ईक्ल टू थ्री ए टी डिवाइड बाई वन प्लस टी क्यूब वाई इज ईक्ल टू थ्री ए स्क्वेयर डिवाइड बाई वन प्लस टी क्यूब इसको भी चेन रूल से सॉल्व करेंगे सबसे पहले एक्स वाले फंक्शन को देख लेते हैं डीवाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड इसमें देखें थ्री ए कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे और बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे इसमें अपर वाले को यू कह लेंगे क्योंकि क्वेश्चन रूल से सॉल्व करना है और लोअर वाले को वी कह लेंगे एज इट इज़ रहा और हम लोग नीचे सबसे जो है ना पहले वन प्लस टी क्यूब का स्क्वेयर लेंगे एज पर फार्मूला और इसी को पहले एक दफ़ा ऊपर लिखेंगे वन प्लस टी क्यूब को लोअर टर्म को ऊपर लिख दिया तो अपर टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस अब की दफ़ा अपर टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे और लोअर टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे थ्री ए और नीचे बाकी सारा एस एज एस वन प्लस टी क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू तो टी क्या है वन माइनस टी एज इट इस इज इस, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन तो कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है थ्री टी स्क्र फर्दर सॉल्व करें ये आ जाएगा वन प्लस टी क्यूब माइनस थ्री टी क्यूब ये भी फर्दर सॉल्व हो सकता है तो ये हो जाएगा थ्री ए मल्टीप्लाई बाई वन माइनस टू टी क्यूब फ्लटर काफ़ी हो गया है इसको ऊपर ले जाते हैं हमें डी एक्स बाई डी टी नहीं चाहिए हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए तो इसलिए पहले इसको इन्वर्स करेंगे नीचे की चीज़ ऊपर ऊपर की चीज़ नीचे अब डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं विच मीन्स डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू टूटी इसमें देखें थ्री ए कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन टूल यूज़ करेंगे ऊपर वाले को यू नीचे वाले को वी कह लेंगे तो सबसे पहले थ्री ए तो एजेटेज रहा और नीचे क्या आ जाएगा लोअर टर्म का स्क्वेयर और एक दफ़ा लोअर टर्म ऊपर आ गई इंटू डरेवेटिव ऑफ द अपर टर्म माइनस अपर टर्म इंटू डरेवेटिव ऑफ द लोअर टर्म इतना हिस्सा तो इट इज सेम ही रहेगा वन प्लस टी क्यूब लिखा इसका डायरेवेटिव क्या होगा टू टी माइनस टी स्क्र एजट इज है और इसका डायरेवेटिव क्या होगा वन का डायरेवेटिव कॉन्स्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा टी क्यूब का थ्री टी स्क्र फर्दर सॉल्व करते हैं टू टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा टू टी प्लस टू टी रेज टू द पावर फोर और ये माइनस साइन के बाद जो ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस थ्री टी रेज टू द पावर फोर ये दोनों समाप्त हो सकते हैं तो ये अब हमारे पास बन जाएगा टू टी फोर माइनस थ्री टी रेस पावर फोर इज इक्वल टू माइनस टी रेज टू द पावर फोर इसको भी ऊपर ले जाते हैं अब हम लोगों ने डी वाई बाई डी टी को मल्टीप्लाई करना है डी टी बाय डी एक्स से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कैंसिल आउट हो रही हैं वन प्लस टी क्यूब का स्क्वायर 3a तो पीछे बच गया 2t t रेस पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 2t रेस पावर 3 इसका ग्राफ भी नहीं बना रहे क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव है आपको सिर्फ वही ग्राफ समझाऊंगा जो आगे कॉन्सेप्ट्स में काम आएंगे स्टडी विद मी अ लर्निंग एक्सपीरियंस